ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब 63 जो श्रेष्ठ तमिल शिव भक्त हैं, उनमें अगले जो शिव भक्त हैं वो है राजा सत्यार्थ, जिन्हें तमिल में मेपुरुलार के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त जी इनके विषय में कथा सुनाते हुए ऋषियों से कहते हैं कि जो शिव भक्तों की सेवा में हमेशा लगा रहता है, जो भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वालों के अपराध भी सह लेता है, और जो भक्तों को शिव समझकर ही उनकी पूजा करता है, उससे शिव इतने प्रसन्न होते हैं जितने करोड़ों यज्ञ करने पर भी प्रसन्न नहीं होते। और ये पूरी पेरिया पुराणम, पूरी ये बृहत पुराणम इसी मेन पॉइंट पर आधारित है कि शिव भक्तों की सेवा करना शिव सेवा करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का जो दो प्रकार का स्वरूप बताया गया है, वो एक तो है चल और एक है अचल, जिसमें जो चल स्वरूप है वो एक शिव भक्त को बताया गया है, उसे साक्षात शिव का स्वरूप ही समझना चाहिए। शिव भक्त को शिव का चल स्वरूप समझना चाहिए, जो भस्म और रुद्राक्ष धारण करता है और शिव भक्ति करता है उसे शिव का स्वरूप ही समझना चाहिए। उसके दर्शन मात्र से ही पापों की निवृत्ति हो जाती है। इसी विषय में महर्षि अगस्त जी राजा सत्यार्थ की कथा सुनाते हैं। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि दक्षिण में एक स्थान है जहां गोपों का वास है, जिसे चेदी देश के नाम से जाना जाता है, जो अभी फिलहाल प्रेजेंट में तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में त्रिकोयलूर के नाम से जाना जाता है। यहां आप मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर स्थापित है, भगवान यहाँ पर विराजित है। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने अंधकासुर का नाश किया था। इसी स्थान पर एक राजा हुए जिन्हें राजा सत्यार्थ के नाम से जाना जाता है। वो शिव भक्तों के निमित्त अपना जीवन समर्पित कर रहे थे। जो कोई भी शिव भक्त उन्हें दिख जाता था, भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला दिख जाता था, राजा स्वयं उन्हें प्रणाम करते थे। उनके महल में किसी भी शिव भक्त को मना नहीं था, कोई भी शिव भक्त वहां पर भस्म रुद्राक्ष धारण किया हुआ किसी भी समय एनी टाइम वहां पर जा सकता था, और शिव भक्तों को जो भी चाहिए होता वो राजा सत्यार्थ, या जिन्हें अभी तमिल में मेपोरुल्लार के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा उन्हें देने का प्रयास करते थे। राजा सत्यार्थ के पड़ोस में जो राज्य था उसका राजा था मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ ने राजा सत्यार्थ से वैर किया, उससे दुश्मनी की, और फिर दोनों सेनाओं का, दोनों राज्यों का आपस में युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा सत्यार्थ ने बलपूर्वक मुक्तिनाथ के राज्य को जीत लिया, और किसी तरह से मुक्तिनाथ छिप करके जंगल में भाग गया। राजा सत्यार्थ ने उसकी सभी सेना, राज्य और धन पर कब्जा कर लिया। अब मुक्तिनाथ जंगल में छिपा हुआ हमेशा योजना बनाता कि कैसे राजा सत्यार्थ से बदला लिया जाए। उसके सारे प्रयास विफल हुए। अंत में उसने निर्णय किया कि ये कार्य बल से नहीं छल से करना होगा। फिर उसने योजना बनाई और स्वयं एक शिव योगी का रूप बना करके, भस्म और रुद्राक्ष धारण करके, वेश बदल करके राजा सत्यार्थ के महल पर जा पहुंचा। अब वहां पहले ही सभी शिव भक्तों को आने की इजाजत थी, किसी ने उसे पहचाना नहीं, इसलिए वो महल के अंदर प्रवेश कर गया। उस समय राजा सत्यार्थ शिकार करके आए थे और थक करके सो रहे थे, लेकिन वहां द्वार पर जो सैनिक थे उन्होंने उस मुक्तिनाथ को वहीं द्वार पर रोक लिया, उस शिव योगी बने हुए उस मुक्तिनाथ को रोक लिया और कहा कि राजा भी विश्राम कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। तब मुक्तिनाथ ने सोचा कि अभी सही समय है, और उसने कहा कि मैं एक गुप्त विद्या का रहस्य राजा को बताने जा रहा हूं, तुम मुझे रोको मत। वो बलपूर्वक अंदर चला गया। अब शिव भक्त को मना करे इतना दुस्साहस वो सैनिक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राजा को इस विषय में पता चलेगा कि उन्होंने शिव भक्त को रोका है तो राजा क्रोधित होंगे। इसलिए वो मुक्तिनाथ, शिव योगी बना हुआ मुक्तिनाथ, राजा के उस शयन कक्ष के अंदर चला गया। वहां पर जब उसकी पत्नी ने उस शिव योगी को देखा, उस मुक्तिनाथ को देखा, तो उसने राजा को जगाया और कहा कि कोई महात्मा आए हैं। जब राजा उठे तो उन्होंने उस मुक्तिनाथ को, उस शिव योगी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं धन्य हुआ, आपके चरण मेरे इस घर में पड़े हैं, इसलिए मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सब पापों का निपटारा हो गया है। आप कृपा करके मुझ पर आज्ञा कीजिए और मुझे धन्य कीजिए, मैं आपकी क्या सहायता करूं। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जो मैं एक शिव भक्त को देने का प्रयास ना करूं। ये बात सुन करके वो
मुक्तिनाथ जो शिव योगी बना हुआ था उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या देना चाहता हूँ, तुम श्रेष्ठ शिव भक्त हो इसलिए तुम इसके लायक हो, तुम इसके योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें ये श्रेष्ठ विद्या देना चाहता हूँ। और ये नियम होता है कि शिष्य चाहे गुरु की बड़ाई करे, गुरु की ख्याति करे, उसके बारे में लोगों को बताए, लेकिन गुरु द्वारा दिया गया मंत्र वो हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें ये विद्या अकेले में ही सिखाऊंगा, तुम अपनी पत्नी को बाहर जाने को कहो। जब राजा ने आज्ञा दी तो आदेश दिया तो उसकी पत्नी भी उस कक्ष से बाहर चली गई। अब उस स्थान पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक राजा सत्यार्थ और एक वो मुक्तिनाथ जो शिव योगी बना हुआ था। अब मुक्तिनाथ ने राजा को थोड़ी सी भस्म हाथ में दी और कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो। अब जैसे ही राजा प्रणाम करने के लिए झुके तो जिस पुस्तक को लेकर मुक्तिनाथ आया था उस पुस्तक में एक छुरा छुपा रखा था, वही छुरा उसने निकाला और झुके हुए उस राजा सत्यार्थ के मर्म स्थानों पर, वीक पॉइंट्स पर उसने वो छुरा घोपना शुरू कर दिया और उसे पूर्ण रूप से मरणासन कर दिया। फिर बाद में पेट में छुरा घोंप दिया। अब राजा चिल्लाया कि शंभो शिव बचाइए, महादेव बचाइए। ये बात सुन करके जो द्वार पर जो सैनिक खड़े थे, जो गार्ड खड़े थे, वो भागकर अंदर आए। उनमें एक दक्ष नाम का एक उनका चौकीदार था, एक रक्षक था जो द्वारपाल, उसने उस मुक्तिनाथ को पकड़ लिया और जैसे ही उसको मारने को तैयार हुआ तो तड़पते हुए राजा सत्यार्थ ने कहा कि तुम्हें मेरे प्राणों की सुगंध है, तुम इसे कुछ भी मत कहना, इसे कुछ भी मत करना, इसे मारना मत। और राजा सत्यार्थ ने आज्ञा दी तब उस कुछ सैनिकों ने उस शिव योगी को, उस मुक्तिनाथ को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दिया, उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। जब इन्होंने द्वारपालों ने सब लोगों ने पूछा कि उस पर इतनी कृपा क्यों की, तब राजा सत्यार्थ ने कहा कि भले ही वो मेरा शत्रु है लेकिन उसने भस्म और रुद्राक्ष धारण कर रखा है जो मेरे आराध्य का चिन्ह है। ऐसे मेरे आराध्य का, मेरे प्रभु के चिन्हों को धारण किए हुए को मैं मेरे प्रभु के समान ही समझता हूँ। भस्म और रुद्राक्ष धारण करता है, मेरे लिए वो शिव है और ये जो कुछ भी हुआ ये शिव की आज्ञा से ही हुआ है, इसलिए मैं उसे क्षति बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकता। और ऐसा कह करके उसने अंत समय में, राजा सत्यार्थ ने अंत समय में भगवान नटराज का ध्यान किया और उन्हीं के ध्यान में लीन हो गया। उन क्षणों में ही भगवान ने प्रकट होकर के राजा सत्यार्थ पर अनुग्रह किया और उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर दिया। मृत्यु तो एक दिन सबको ही प्राप्त होनी है, कोई शाश्वत यहाँ बैठने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे शिव भक्त, ऐसे भक्त जो अपने आराध्य के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दे, अपना सर्वस्व केवल उनके भक्तों की सेवा में ही लगा दे, अपने आराध्य को समर्पित कर दे, ऐसी भक्ति, ऐसी शिव भक्ति एक अलग लेवल की होती है। राजा सत्यार्थ को कोटि कोटि प्रणाम है, उनकी शिव भक्ति को बारंबार नमस्कार है। ये थी कथा राजा सत्यार्थ की, जिन्हें तमिल में वेप्पुरोलार के नाम से जाना जाता। राजा सत्यार्थ के निमित्त जो सुंदर मूर्ति या सुंदरर ने कविता गाई, जो पद गाया जिसे तमिल में तेवारम कहते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।